मेरे तरह चैन काटो, कहाँ कर तरह समझ में आवता है, वे गधा भाई बकेट रख के काटो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने चैन कटिंग के बारे में सिखाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप चैन कटिंग करना चाहते हैं, वीडियो पे आ गए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आपको पक्का समझ में आएगा चैन कटिंग कैसे किया जाता है। वीडियो को देखिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और देखिए ये हमारा हेल्पर दूर में बैठा हुआ है और आज इसको चैन कटिंग करने के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो में बच गया है और हेल्पर देखिए रात में सो रहा था नीचे कचड़े में, ये दिल्ली के कचड़े में हेल्पर सो रहा है, इसे नींद नहीं बर्दाश्त होती है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इसका एक गलती जो ये करता है हमेशा, आज इसको गलती सुधारने वाला हूँ। देखिए भाई हेल्पर को मशीन पर बैठा दिया, ऊपर लेके जाओ ऊपर। हाँ अब इसको बताता हूँ चैन कटिंग कैसे करते हैं। रात में ही बहुत गलती किया, इसको लंच टाइम में मशीन लिया था 10 मिनट के लिए। और आगे ले जाओ, देखते हैं गलती सही करता है। ठीक ओए, चैन काटना इधर, मेरे तरफ चैन काटो, वे गधा भाई बकेट रख के काटो। देखिए क्या कर रहा है भाई, इसको समझ में नहीं आता है चैन कटिंग कैसे होता है। उधर काटो, उधर उधर राइट साइड, उस साइड काटो। चैन कटिंग अभी राइट साइड, देखिए मेरा हेल्पर कैसे करने वाला है और आज मैं इसको बताने वाला हूँ कि कैसे चैन कटिंग करते हैं। देखिए राइट कह रहा हूँ तो इसका दिमाग के काम नहीं कर रहा है। तो गाइस यही गलती हेल्पर अक्सर करते हैं, मैंने रात में नोटिस किया था और सुबह में मौका मिला है तो मैं बोला हूँ आपको दिखाऊंगा वीडियो बना के। और देखिए इसका पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी ये गलती क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। कहाँ कर तड़ो समझ में आवता है, समझ में आवता क्या कर तड़ो। तो दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि वीडियो बन रहा है क्या, तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। और आगे का ऑडियो थोड़ा सही नहीं है तो इसको मैं खुद करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखो मान लो राइट जाने के लिए क्या करेंगे, अगर चैन राइट घुमाना है हमको, इसमें दो लीवर है ना, अगर आपको इधर जाना है तो एक इसको आगे करेंगे और इसको पीछे करेंगे। जैसे देखो लीवर को दबा दिया हमने बूम वाले को, अब इसको हम राइट वाला जो लीवर है उसको, हमको राइट जाना है तो राइट वाले को पीछे करेंगे, लेफ्ट वाले को आगे करेंगे। अब इसको जो ये लीवर है आप स्विम करने वाला जो लीवर है इसको हमेशा उल्टा घुमाएंगे, अगर राइट जाना है तो हमें लेफ्ट घुमाएंगे, लेफ्ट जाना है तो राइट घुमाएंगे। अब देखो हमें यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है अगर मशीन को, तो सबसे पहले लेफ्ट लेने के लिए लेफ्ट वाले को पीछे करेंगे, राइट वाले को आगे करेंगे। अब यहाँ देखो लेफ्ट हमको इधर घूमना है तो इसको पीछे करेंगे, इसको आगे करेंगे, जिधर घूमना है वो वाला लीवर हमेशा पीछे जाएगा, ये याद रखो। अगर हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला लीवर पीछे जाएगा और राइट वाला आगे जाएगा, राइट जाना है तो राइट वाला पीछे जाएगा, लेफ्ट वाला आगे जाएगा, बस यही समझना है। जिधर जाना है उधर का पैर का जो लीवर है वो हमेशा पीछे मतलब नीचे की तरफ दबाएंगे, और जिधर नहीं जाना है उधर ऊपर की तरफ दबाएंगे। जैसे मान लो हमको अगर लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है तो राइट वाला हमेशा पीछे जाएगा, और लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट वाला हमेशा पीछे जाएगा, राइट वाला आगे जाएगा। और ठीक वैसे लीवर में समझ लो, लीवर का क्या है कि अगर हमें राइट जाना है तो ये लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट जाना है तो राइट जाएगा, मतलब उसके उल्टा दिशा में इसको लीवर को घुमाना है स्विम करने के लिए। अभी यह समझने के लिए देख लो कि जैसे अभी हम राइट जाने वाले हैं तो राइट वाले को हमेशा पीछे दबाएंगे और लेफ्ट वाले को आगे दबाएंगे, साथ ही साथ लीवर को हमें राइट जा रहे हैं तो लीवर लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं, और लेफ्ट जाना है तो लीवर को राइट घुमाएंगे, राइट वाले को आगे करेंगे, लेफ्ट वाले को पीछे करेंगे, मतलब जिधर जाना है उधर का चैन मार्चिंग लीवर पीछे जाएगा और जिधर उसका जो क्या बोलते हैं जो लीवर है स्विम का जो लीवर है वो हमेशा उल्टी दिशा में जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में काफ़ी आवाज़ आ रही थी, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हर मशीन में दोनों चैन के लिए अलग अलग लीवर होते हैं,
लेफ्ट चैन के लिए लेफ्ट का लीवर, राइट चैन के लिए राइट का लीवर, चैन का बोल रहा हूँ, चैन मार्चिंग लीवर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैन मार्चिंग लीवर का लेफ्ट चैन का अलग लीवर होता है, राइट चैन का अलग लीवर होता है। अगर आपको मशीन आगे बढ़ाना है तो दोनों चैन मार्चिंग लीवर एक साथ दबाएंगे तो मशीन आगे जाएगी, वो तो आपको पता ही होगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मशीन को चैन कटिंग कैसे करते हैं, मतलब मशीन को इधर उधर ले जाना हो, जैसे चैन कटिंग करना हो, कम स्पेस में मशीन को घुमाना हो, तो आप कैसे कर पाएंगे। वीडियो में मैंने दिखाया भी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता दूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपको मशीन में चैन मार्चिंग लीवर करने में परेशानी हो रही है तो बिल्कुल समझिएगा, आसान भाषा में बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मशीन को राइट ले जाना है, ठीक है, जिस तरफ आपको मशीन चैन मार्चिंग करना है, मतलब अगर राइट घूमना है मशीन को लेके, मतलब चैन मार्चिंग कर रहे हैं, अगर आपको राइट में मशीन ले जानी है, ठीक है, तो राइट वाला चैन मार्चिंग का लीवर जो होता है, हमेशा उसको अपनी तरफ, मतलब नीचे की तरफ दबाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। अगर हाथ से खींच रहे हैं, हाथ से तो ऐसे खींचेंगे नहीं, क्योंकि चैन कटिंग करते समय हम अक्सर पैर का ही इस्तेमाल करते हैं, तो जिधर का आपको जिधर मशीन घुमानी है उधर का चैन मार्चिंग लीवर हमेशा पीछे की तरफ दबाएंगे, ठीक है। और उसके जो बगल वाला लीवर है, चैन मार्चिंग लीवर है, अगर आप राइट जा रहे हैं तो राइट वाला चैन मार्चिंग लीवर पीछे की तरफ दबाएंगे और लेफ्ट वाला चैन मार्चिंग लीवर आगे की तरफ दबाएंगे, ठीक है। और ये करेंगे आप, बूम को हल्का सा दबा के चैन को आगे से थोड़ा सा उठा लेंगे, इससे क्या होगा आपका मतलब चैन कटिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब ऐसे ही अगर आप राइट जा रहे हैं, राइट वाला चैन मार्चिंग लीवर पीछे की तरफ दबा रहे हैं, जिस तरफ आप जाएंगे उस तरफ चैन मार्चिंग लीवर पीछे की तरफ दबाएंगे, ठीक है, समझ गए। जिस तरफ आपको राइट जा रहे हैं तो राइट वाला चैन मार्चिंग लीवर पीछे जाएगा, लेफ्ट वाला आगे जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया क्लियर। अब जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ स्विम लीवर, अगर आप राइट जा रहे हैं, हमें राइट जाना है, तो स्विम लीवर जो लेफ्ट जाएगा उसके उल्टा दिशा में स्विम लीवर को साथ ही साथ आपको चलाना है, ठीक है। जैसे वीडियो में मैंने करके भी दिखाया हूँ, आपको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ का चैन मार्चिंग लीवर पीछे जाएगा और उसके बगल वाला आगे की तरफ दबाएंगे। अगर राइट जाएंगे तो जो है स्विम का जो लीवर है उसको लेफ्ट की तरफ खींचेंगे, लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट की तरफ खींचेंगे, हमेशा उसके उल्टी दिशा में स्विम का जो लीवर है चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि चैन मार्चिंग लीवर यानी चैन कटिंग कैसे होता है, चैन मार्चिंग लीवर का क्या काम है और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चैन कटिंग नहीं करने आ रहा है तो हमें कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आता है तो कमेंट करिए भाई, हमसे जुड़िए, हमें बताइए अपनी गलती, अपने आप क्या गलती कर रहे हैं वो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका लगने वाला कुछ नहीं है लेकिन हमें मदद मिलती है। धन्यवाद।